हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नवरात्रि एक बेहद पावन त्योहार और कठोर भक्ति उत्सव के रूप में देखा जाता है। लगातार 8-9 दिनों तक इसका परहेज अगर सही ढंग से न किया गया तो आपके जीवन में कई मुसीबतें आ सकती हैं। नवरात्र में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नींबू नहीं काटनी चाहिए और बाल नहीं कटवाने चाहिए। हालांकि इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप इस दौरान कलश की स्थापना की है या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाएं। विष्णु पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के इन 9 दिनों में दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए, इससे व्रत का फल नहीं मिलता। नवरात्रि पूजा के दौरान संधि पूजा का विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि की समाप्त और नवमी तिथि की शुरुआत के संधि काल में यह पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस समय राक्षसों चंड और मूंड को मारने के लिए देवी चामुंडा प्रकट हुई थी। ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट में शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।